पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, ये आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, ये आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते। शिव भक्त हैं ये, ना हिंदू धर्म को समझते हैं ना शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा, खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा, मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग, मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे। इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं, हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए, इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की, इसी में उलझे रहिए कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है, ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे, जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है।